आपको इस टाइप का 3D वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूं बिल्कुल न्यू इफेक्ट के साथ। तो प्लीज यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और आजकल वीडियो यार बहुत ज्यादा डाउन चल रही है तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबाने पर ऑल पर सलाह कर लेना, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से एडिट किया जाता है, कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। और जो XML प्रोजेक्ट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी जो प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं किस तरीके से वीडियो को एडिट किया जाता है। आपका भाई वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता देगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको इस तरह का वीडियो एडिट करना सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और XML और प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट नहीं कर पाते तो आप XML को इंपोर्ट कर लेना। ओके, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये दोनों आपको एक वन प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू दो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, दोनों को इंपोर्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट वन को ओपन करना है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। पूरा 3D प्रोजेक्ट है, इसमें आपको फोटो को ऐड करना होगा। तो इसमें आपको टोटल 3 फोटो की जरूरत पड़ेगी। आपको उन तीनों फोटो की साइज को 9x16 में रख लेना। फोटो की तो और हमें जरूरत पड़ेगी, सभी फोटो की जो साइज है आपको 9x16 ही रखनी है। सबसे पहले आप बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको बीच में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, 9x16 की साइज लेने, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस वाले फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है, और आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ जो एक्ट्रेस की फ़ोटो थे वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम एज PNG को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इस तरीके से कम यहाँ पर 8-9 फोटो को सेव कर लेना है जिनको हम वीडियो में यूज करेंगे। ओके, सेम साइज में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सभी इमेज लेयर आपको दिख जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए इमेज वन और इमेज वन, दो लेयर पर इमेज वन लिखा है। तो आपको सबसे नीचे वाले इमेज वन पर क्लिक करना है, कलर एंड फील्ड पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करना है। ऊपर फोल्डर पे क्लिक करके अलाइट मोशन की फोल्डर में जाएंगे, जो फोटो आपने सेव किया उस पर क्लिक करना, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके जो ऊपर लेयर है इस पर भी क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार पर क्लिक करना, इसमें भी आप वही फोटो ले लेंगे। ओके, यहाँ पर दोनों वन वन है तो वन वन में दोनों सेम फोटो लेना है। वापस यहाँ पर टू टू है तो दोनों में सेम फोटो लेना है। वापस थ्री है तो यहाँ में इनमें भी आपको सेम फोटो लेना है, ठीक है, लेकिन फोटो अलग लेना है। तो यहाँ पर टू पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार पर क्लिक करना, और दूसरा फोटो लेंगे, मैं ये वाला लेता हूँ, प्लस पर क्लिक कर देता हूँ। इसी फोटो को हम टू लेयर पे वापस ऊपर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे करना, स्टार पर क्लिक करना, वही फोटो वापस से हमको लेना है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। उसी तरीके से थ्री पेयर भी क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना, तीसरा फोटो लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाली थ्री लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक, स्टार पर क्लिक करना, वही फोटो वापस लेंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे। ये काम आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन बंद है, इसे आप ऑन करके अपने वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर बन चुका है। इसको आपको गैलरी में एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करके इसको आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। तो इस वाले वीडियो को आपको गैलरी में सेव कर लेना है। मैं कैंसिल कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। सेव करने के बाद आपको प्रोजेक्ट टू को ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लियर है, एड द फर्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर एंड फिल पर क्लिक, स्टार पर क्लिक करना है। ऊपर फोल्डर पे क्लिक करके आप अलाइट मोशन के फोल्डर में जाएंगे, वो वाला वीडियो यहाँ पर आपको ऐड करना है, 3D वाला जो हमने सेव किया था, 8 सेकंड का आपको मिल जाएगा, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है, आपका वही वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको वीडियो को इसको ऐड कर लेना है। वीडियो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लेयर बंद मिलेगी आपको सभी लेयर को इस तरीके से ऑन कर देना है। तो इस तरीके से जो SDR इफेक्ट है वो भी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको फोटो कंप्लीट ऐड करना होगा। किस तरीके से ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फोटो, यहाँ पर फोटो लेयर मिलेगा, फोटो 9x16 इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिकना, स्टार पर क्लिकना, इसमें भी आप 9x16 साइज का फोटो ले लीजिएगा और आपको प्लस पर क्लिक कर देना है, फोटो ऐड हो जाएगा।
उसके बाद इस ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक ना, और यहाँ पर नीचे जो फोटो लेयर है इस पर क्लिक ना, कलर एंड फील पे क्लिक कर स्टार पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप ही आप फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी फोटो है वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऊपर से आप आगे आ जाएंगे और वापस आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस तरीके से फोटो ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक फोटो लेयर ये वाली मिलेगी, इस पर क्लिक ना, कलर एंड फील पे क्लिक ना, स्टार पर क्लिक ना, इसमें भी आप कोई दूसरा फोटो लेंगे अच्छा सा और आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, ये काम आपका इस तरीके से हो चुका। अब यहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप पे क्लिक ना और आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक ना, ये ग्रुप कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से समझना होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बिल्कुल अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे यहाँ पर तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पर सबसे नीचे जो लेयर है फोटो 9:16 इस पर क्लिक ना, कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पे क्लिक ना, हम फर्स्ट में ये वाला फोटो लेते हैं, प्लस पे क्लिक कर देते हैं, देखिए हमारा फोटो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ओके, अब इसी फोटो को वापस आपको दो जगह पर और ऐड करना होगा, तभी आपका वीडियो बनेगा सही से। इस फोटो को हमने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप वन और ग्रुप टू मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रुप वन पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, नीचे और ऊपर दोनों लेयर में आपको सेम फोटो को ऐड करना है। ओके, ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फील पे क्लिक करना, स्टार पे क्लिक करना, वही फोटो लेंगे जो हमने फर्स्ट में ऐड किया और आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फील पे क्लिक करना, स्टार पे क्लिक करना, वही फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए फोटो हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप बीच में ऊपर ग्रुप पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे और इस तरीके से अगर आप इन ग्रुप में कोई भी छेड़छाड़ चेंज करेंगे तो ग्रुप की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ग्रुप जो लिए जैसे ये वाली लेयर छोटी हो चुकी है इस पर क्लिक करना है और इस वाली बीट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो साइज ऑटोमेटिकली वहाँ तक बराबर हो जाएगी। अब आपको ऊपर ग्रुप टू पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, उसी तरीके से उसी फोटो को इन दोनों लेयर में सेम प्रोसेस की तरह ऐड करना है। ओके, क्लिक करना है कलर एंड फील पे, स्टार पे क्लिक करना, वही फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पे क्लिक करना, वही फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे। ओके, फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर बीच में आप ग्रुप पे क्लिक करके आप आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्रुप की भी साइज कम हो चुकी है, तो आपको इस वाली बीट पे आना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना, तो ये साइज कुछ इस तरीके से बराबर हो जाएगी। फर्स्ट में हमने ये वाला फोटो ऐड किया, सेकंड में दोनों ग्रुप में हमने ये वाला फोटो ऐड कर दिया। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखा है फोटो लिया, तो इसमें अब आपको दूसरा फोटो ऐड करना है, उसी फोटो के डबल वापस आपको इन दोनों में ऐड करना है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। तो अब ये फर्स्ट फोटो का काम तो हो चुका है, अब नीचे फोटो लेयर पे क्लिक ना, उसके बाद आपको कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक ना, हम दूसरा ये वाला फोटो लेते हैं, प्लस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा वो फोटो ऐड हो चुका है जो हमने नीचे ब्लैक वाला फोटो ऐड किया। इसको इन दोनों ग्रुप में वापस से ऐड करना है, तो आपको ग्रुप थ्री पे क्लिक ना, एडिट ग्रुप पे क्लिक ना, यहाँ पर आपको ऊपर फोटो लेयर पे क्लिक ना, कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक ना, वही ब्लैक फोटो लेंगे प्लस पे क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से दोनों में आपको स्टेप बाय स्टेप इसी फोटो को ऐड कर लेना है, ऐड हो चुका है। ऊपर आप ग्रुप में बीच में जो ग्रुप लिखा है इस पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे और इसकी साइज साइज कम नहीं हुई होगी साइज इस तरीके से, तो आपको रख लेना है। अब आपको यहाँ पर उसी फोटो को ग्रुप फोर पे क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, उसी फोटो को ब्लैक वाले को दोनों में आप ऐड कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नीचे वाले पे क्लिक करें, कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक, फोटो लेंगे प्लस पर क्लिक कर देंगे। ओके, ये चेंज हो चुका, ऊपर ग्रुप पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट हमारा ये फोटो था जिसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, सेकंड नीचे था आप हमारा ब्लैक जिसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरीके से। उसके बाद थर्ड फोटो को यहाँ पर नीचे वापस क्लिक करना, इसी के नीचे कलर एंड फील पे क्लिक, स्टार पर क्लिक, तीसरा फोटो लेंगे प्लस पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब जो हमने तीसरा फोटो नीचे ऐड किया उसको इन दोनों ग्रुप में ऐड करना होगा, ग्रुप पाँच ग्रुप छः में, ठीक है। ग्रुप पाँच पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना और इन दोनों फोटो लेयर पे आपको सेम उसी तीसरे फोटो को आपको ऐड कर लेना, स्टेप बाय स्टेप आप दोनों में ऐड कर लीजिएगा। ओके, उसी फोटो को बीच में क्लिक करके आगे जाएंगे। अब आपको वापस से आगे जाना है, कहाँ पर थे हम, ग्रुप फाइव, तो ग्रुप फाइव में हो चुका। ग्रुप सिक्स पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना, उसी तरीके से उसी वापस जो तीसरा फोटो था हमारा उसको लेंगे और दोनों में ऐड कर लेंगे। मतलब लास्ट तक आपको सभी फोटो को इसी तरीके से ऐड करना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब बीच में ग्रुप पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका। अब जो नीचे फोटो है हमारा सबसे नीचे, वो हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। इसके नीचे ऐड करना है उसको यहाँ पर ऐड करना है, इसके नीचे ऐड करना है तो उसको यहाँ पर इन दोनों ग्रुप में ऐड करना है। इसी तरीके से आपको लास्ट तक सभी में ऐड कर लेना है। मैं थोड़ा बहुत आपको और भी बता देता हूँ, अगर ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से मैंने ऐड किया, सबसे फर्स्ट में मैंने ये वाला ऐड किया तो इसको हमने इसके ऊपर जो दोनों ग्रुप थे इसमें ऐड कर दिया उसी फोटो को। उसके बाद नीचे ब्लैक वाला था
तो इस ब्लैक वाले को हमने इन दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर रेड कलर का था, इसको हमने इन दोनों ऊपर वाले ग्रुप में ऐड कर दिया सेम फोटो को। उसके बाद नीचे जो लेयर है इसमें जो हम फोटो लेंगे इसको हम इन दोनों ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर में फोटो लेंगे हम उनको इन दोनों ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले लेयर में जो फोटो लेंगे उसको हम इन दोनों ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो ग्रुप है इसमें जो लेयर है इसमें जो हम फोटो लेंगे उसको हम इन दोनों ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो लेयर है उसको इन दोनों ग्रुप में ऐड करेंगे। लास्ट में आपको एक फोटो ऐड कर देना है, उसको आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट। ओके तो दोस्तों आप देखेंगे हमने यहाँ पर सभी कंप्लीट फोटो को ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने नीचे जो फोटो ऐड किया उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे फोटो है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके नीचे जो पीला फोटो है उस पीले फोटो को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके नीचे जो हमारा व्हाइट फोटो है इस पर आगे कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको सभी फोटो को ऐड कर देना है। और ऊपर जो लेयर मिलेगी इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिक, स्टार्ट पर क्लिक करना। इसमें भी आप कोई भी एक फोटो ले लेंगे और प्लस पर क्लिक कर देंगे, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका पूरा वीडियो यहाँ पर एडिट हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आगे आ जाना है। आपका पूरा इस तरीके से वीडियो कंप्लीट बन चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको सेटिंग के पास ऑप्शंस पर क्लिक करना है और वीडियो को लेंगे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है